हेलो फ्रेंड्स, तो लेके आ गए आप लोग एक और इंटरेस्टिंग और मसालेदार सी अनबॉक्सिंग। तो जो आज अनबॉक्सिंग होने वाला स्मार्टफोन वो एक बहुत ही कमाल का स्मार्टफोन है, इंटरेस्टिंग है। और ये जो स्मार्टफोन है वो है एक बजट सेगमेंट में जो कि अंडर 20,000 रेंज में लाई करता है। मैंने इससे पहले जो है Xiaomi Mi 11 Lite की सबसे लेटेस्ट वीडियो डाली है, तो जिन्होंने नहीं देखी है यहाँ आपको बटन में मिल जाएगी, वो आप जाके देख सकते हैं। Mi 11 Lite बहुत ही कमाल का स्मार्टफोन है। तो जी हाँ, मैं आज बात करने वाला हूँ Xiaomi की तरफ से आने वाले Xiaomi का Redmi Note 10 Pro Max की। तो ये आप देख सकते हैं इसकी रिटेल पैकेजिंग, तो बहुत पहले जो है आप लोगों ने सुना होगा इसके बारे में। तो आज मैं करने वाला हूँ इसकी अनबॉक्सिंग, देखते हैं इसके बॉक्स में कंटेंट वगैरह क्या हमें देखने को मिल जाता है। साथ ही इस फोन के लुक के लिए बहुत लोग एक्साइटेड है, तो इस फोन का लुक देखते हैं क्या हमें देखने मिलता है। साथ ही फीचर्स वगैरह सब कुछ हम जानेंगे डिटेल में इस वीडियो के एंड तक। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिल्कुल बैकग्राउंड वाले कलर में सब्सक्राइब बटन को कर दीजिए ग्रे कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिएगा। और वीडियो तो आगे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, देखते हैं बॉक्स में क्या क्या देखने को मिलता है। तो वीडियो को एक थम्स अप लाइक तो जरूर से कर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं इस Redmi Note 10 Pro Max की अनबॉक्सिंग से। तो ये आप देख सकते हैं इसकी रिटेल पैकेजिंग, यहां पे टिपिकली व्हाइट कलर में देखने मिल जाता है और फोन का कंप्लीट लुक देखने को मिल जाता है। फोन का बैक लुक और फ्रंट लुक दोनों देखने को मिल रहा है और साथ ही कुछ हाइलाइट्स वगैरह लिखे गए, जैसे कि 108 मेगापिक्सल अल्ट्रा क्लियर कैमरा देखने को मिल जाता है। ये नंबर काउंट के लिए है सिर्फ, ये एक्चुअली में 108 मेगापिक्सल वो तो देखने पे पता चलेगा। मेड इन इंडिया का लोगो देखने मिल जाता है और नीचे भी कुछ हाइलाइट्स हैं 108 मेगापिक्सल वाले और 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले के देखने को मिल जाते हैं। पीछे की तरफ देखें, पीछे कुछ हाइलाइट्स वगैरह दिए गए, जैसे कि कैमरा के हैं और साथ ही डिस्प्ले के, प्रोसेसर वगैरह के कुछ हाइलाइट्स हैं और बैटरी के बैकअप वगैरह की बात की गई है। जहाँ पे नीचे की तरफ कलर देखा जाए तो कलर मिल जाता है हमें डार्क नाइट कलर, जो कि एक ब्लैक कलर टोन का देखने को मिल रहा है। और जो वेरिएंट है वो है 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ में, जो कि हाईएस्ट वेरिएंट देखने को मिल जाता है। तो फटाफट से करते हैं इस बॉक्स को ओपन और देख लेते हैं बॉक्स के अंदर फोन का लुक कैसा देखने मिल जाता है, रियलिटी में हैंड्स ऑन क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें पैम्पलेट देखने मिल जाता है जहाँ पे लिखा गया है डिज़ाइन बाय Redmi, और साथ ही इसको हम फटाफट से करते हैं ओपन। तो यहाँ सिम इजेक्टिंग टूल्स है और अंदर में कुछ बहुत ही मिनिमम से सिंगल पेपर वर्क्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। और ये एक कुछ सस्ता सा 20-30 रुपये वाला एक केस देखने मिल जाता है, जो कि बैक में हमें हल्का मैट फिनिश देखने को मिल रहा है, जो कि ये हमें देखने को मिल रहा है। और साथ ही केस जो है मतलब ठीक ठीक है, ओके है, यूज़ करने पे पीला पड़ ही जाएगा। और साथ में नीचे की तरफ देखने को मिल जाता है फ़ोन। इसको हम सबसे पहले रखते हैं साइड में और देखते हैं बॉक्स में कंटेंट वगैरह क्या देखने को मिल रहा है। जो कि सबसे पहले दिया गया है हमें एक ब्रिक, जो कि ब्रिक है, बड़ा सा ब्रिक है देखने को मिल जाता है। जहाँ पर इसका आउटपुट रेटिंग देखा जाए तो हमें 33 वॉट का हमें जो है ये अडेप्टर देखने को मिल रहा है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि हमें फास्ट चार्जिंग अडेप्टर देखने को मिल जा रहा है। और उसके साथ में दिया गया है ये टाइप सी चार्जिंग केबल देखने को मिल रहा है, जो कि ये भी आप चेक कर सकते हैं, ये रेड कलर की अंदर ब्रेडिंग की गई है। तो ये हमें देखने को मिल रहा है ये चार्जिंग केबल टाइप सी चार्जिंग पॉइंट वाला। तो ये बहुत ही अच्छा सा चीज़ है कि जो है हमें फास्ट चार्जर देखने को मिल रहा है और साथ ही जो है एक टाइप सी चार्जिंग केबल देखने को मिल रहा है। लेकिन प्राइस रेंज की मैं बात करूँ तो वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। लेकिन फ़ोन का कलर रिवील करने से पहले मैं आपको बता दूँ, इस वीडियो को जरूर से लाइक जरूर से कर दीजिएगा। साथ ही जो है इस तरह का Xiaomi वगैरह फ़ोन परचेस करने के लिए आए, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दी मोबाइल पैंट के यहाँ लोकली स्टोर के जो एड्रेस देखने को मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके परचेस कर सकते हैं। तो अब मैं फ़ोन को करता हूँ फटाफट से अनरैप और रिवील करते हैं इसका फर्स्ट लुक, देखते हैं कैसा होने वाला है इसका फर्स्ट लुक। तो इसको हम करते ओपन फटाफट से और ये निकल गया रैपर से और अब हम आते हैं इसके फर्स्ट लुक पे। तो ये आप देख सकते हो ये है इसका डार्क नाइट कलर। मैं रिमूव कर लेता हूँ इस स्टिकर को, ये आपका रिमूव हो चुका है। और अब मैं देख लेते हैं इसके कंप्लीट लुक, जो इसका फर्स्ट लुक होता है वो हम चेकआउट करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इसका ये है कंप्लीट लुक, बहुत ही मतलब गजब का ये Redmi की ब्रांडिंग देखने को मिल जा रही है इस साइड में। और ये मैं रिमूव कर देता हूँ। साथ ही इसके कैमरा का जो सेटअप है वो बिल्कुल ही मतलब हाईलाइट टाइप का देखने को मिल रहा है, बहुत ही क्लियर है, कमाल का है। और साथ में कुछ हमें डिटेलिंग भी देखने मिल जाती है अल्ट्रा प्रीमियम टाइप का, ये सब हमें दिखा हुआ देखने मिल जाता है। 108 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है और ये क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। साथ ही ऊपर वगैरह की मैं बात करूँ तो ऊपर में हमें जो है ये IR ब्लास्टर वगैरह देखने मिल जाते हैं, सेकेंडरी स्पीकर देखने को मिल जा रहा है और साथ में 3.5mm जैक वाला पोर्ट भी देखने मिलता है। ये ऊपर की तरफ दिया गया 3.5mm जैक वाला पोर्ट, सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन है। और यहाँ पे हमें लेफ्ट साइड में सिम ट्रे देखने मिल जाती है, जो कि ट्रिपल स्लॉट वाली सिम ट्रे दी गई है, मींस आप दो सिम प्लस एक मेमोरी कार्ड भी एक्सपेंडेबल लगा सकते हैं, तो वो भी एक बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट है। नीचे की तरफ देखा जाए तो नीचे हमें जो है टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है, माइक्रोफोन है और स्पीकर के ग्रिल देखने को मिल जाते हैं। तो मतलब इसमें हमें डुअल स्टीरियो स्पीकर्स भी देखने को मिल रहा है, तो वो भी एक अच्छा प्लस पॉइंट है कि स्पीकर आपको यहाँ टॉप में और नीचे दोनों की तरफ में पॉइंट बना गया है।
तो ये चीज़ हमें देखने में मिल जाती है। बाकी सेंटर में हमें जो है डॉट डिस्प्ले देखने मिल जाता है। तो फोन को हम करते हैं फटाफट से बूट, लेकिन यहाँ पे जो है राइट साइड में वॉल्यूम अप एंड डाउन का बटन देखने में मिलेगा। और ये जो बटन है ऑन एंड ऑफ वाला, इसके अंदर इनबिल्ट जो है टच आईडी इनबिल्ट की गई है, जिससे कि जो है डिस्प्ले में नहीं इनपुट करनी पड़े। इस वजह से कंपनियाँ कॉस्ट कटिंग कर देती हैं, जो है डिस्प्ले में रहने से कॉस्ट जो है ज़्यादा पड़ती है। तो कॉस्ट को कम करने के लिए जो है ऑन एंड ऑफ वाली बटन में जो है हमें ये फिंगरप्रिंट स्कैनिंग देखने को मिल जाता है। और ये इजी भी होता है, हैंडी होता है, कंफर्टेबल होता है यूज़ करने पे। तो फ़ोन को हम करते हैं फटाफट से बूट और देखते हैं इसके फर्स्ट लुक को कि क्या हमें जो इसका डिस्प्ले का क्लीन फिनिश देखने को मिल जाता है। तो ये आप देख सकते हैं फोन हो चुका है कंप्लीटली बूट और इसका फर्स्ट लुक आप देख सकते हैं पूरा क्लीन डिस्प्ले देखने को मिल जा रहा है। बेजलेस टाइप का डिजाइन है साइड में, टॉप में और साइड में हमें जो है बहुत ही मिनिमम से बेजल देखने मिल जाते हैं। नीचे की तरफ में हमें हल्के से ज़्यादा बेजल दिए गए हैं, लेकिन ये ऑलमोस्ट जो एक आप कह सकते हैं बेजलेस टाइप का डिज़ाइन देखने को मिल रहा है। बिल्कुल ही बहुत ही छोटा सा डॉट देखने को मिल जाता है, जिसमें हिडन है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जा रहा है। साथ ही डिस्प्ले वगैरह के स्पेस की मैं बात करूँ तो 6.67 इंच का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने मिल जाता है, जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में आ जाता है। मतलब बहुत ही ज़्यादा फास्ट रिफ्रेश रेट है, एमोलेड डिस्प्ले है उसके साथ में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, मतलब बहुत ही कमाल का डिस्प्ले देखने को मिल जा रहा है। साथ ही मैं बात करता हूँ इसके और अदर स्पेक्स की, तो ये जो है डिस्प्ले में सपोर्ट करता है HDR10 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। फ्रंट में हमें जो है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है, तो वो एक अच्छा चीज़ है। बैक में भी ग्लास देखने को मिल जाता है, तो ये एक बहुत ही अच्छा कॉम्पैक्ट चीज़ है कि आपको बैक में और फ्रंट में दोनों तरफ ग्लास देखने को मिल जाता है। तो बैक का लुक भी बिल्कुल ही शाइनी सा, मतलब मैट फिनिश नहीं है, शाइनी लुक देखने को मिल जाता है। थोड़ा सा ये दिक्कत है इसमें आपको फिंगरप्रिंट्स के इशू देखने को मिल सकते हैं, जैसे फिंगरप्रिंट जो है शाइनी लुक रहता है तो थोड़ा सा फिंगरप्रिंट वगैरह भी आने के चांसेस रहते हैं कि आपको फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाते हैं जब पसीना वगैरह होता है हाथ में। तो ये चीज़ है। बाकी मैं बात करता हूँ इसके और अदर स्पेक्स भी, जहाँ पे एंड्रॉइड वगैरह देख लेते हैं। तो इसमें हम चलते हैं सेटिंग्स में, अबाउट फोन सेक्शन में चलते हैं। तो हमें लेटेस्ट MIUI जो है इनका UI वर्जन देखने को मिल जाता है, 12.0.10 वगैरह देखने को मिल जाता है। साथ ही एंड्रॉइड लेटेस्ट 11 देखने को मिला है, तो ये भी एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड देखने को मिल रहा है, लेटेस्ट UI देखने को मिला है। तो MIUI भी बहुत ही अच्छा सा देखने को मिल जाता है। साथ ही बात आती है इसके प्रोसेसर वगैरह की, जहाँ पे प्रोसेसर की मैं बात करूँ तो ये एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, जो कि कॉलकॉम की तरफ से, कॉलकॉम का स्नैपड्रैगन 732G प्रोसेसर, जो कि 8 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर है, जो कि आता है एड्रिनो 618 GPU के साथ में। तो मतलब प्रोसेसिंग बहुत ही अच्छी है, कमाल का जो है स्पेक्स हमें देखने को मिल जाता है। और साथ ही ये जो प्रोसेसर, मैं डाउट क्लियर कर दूँ, ये एक 4G प्रोसेसर है, ना कि 5G प्रोसेसर है। मतलब अगर आपको 5G पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो ये आप फोन, ये शायद ये फोन आपके लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि ये कम्प्लीटली 4G फोन है। तो ये हमें देखने मिल जाता है। बाकी मैं बात करता हूँ इसके और अदर एक्सटर्नल स्पेक्स की, जहाँ पे जैक वगैरह हमें सब कुछ देखने को मिल जाता है। और बात आती है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये रेयर कैमरे का जो सेटअप है वो बिल्कुल ही कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर दो। तो जी हाँ, मैं बता देता हूँ, इसमें हमें क्वाड कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाता है। ये आप देख सकते हैं क्वाड कैमरे का सेटअप दिया गया, जहाँ पे जो मेन सेंसर है वो है 108 मेगापिक्सल का मेन सेंसर देखने को मिल जाता है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो शॉट है, जी हाँ मैक्रो भी मतलब काम का है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर हमें देखने को मिल जाता है। तो मतलब क्वाड कैमरे का जो सेटअप है वो मेरे को अच्छा लगा कि हाँ सेटअप जो है एक अच्छे क्वालिटी का देखने को मिल जाता है, जहाँ पे 108 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है। और ये सेंसर आपको एक 20,000 के अंदर वाले रेंज में फ़ोन में देखने को मिल रहा है, तो ये एक बहुत ही बड़ी चीज़ है कि जो है मतलब 108 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिल रहा है। बाकी कंपनी ने एक नंबर काउंट के हिसाब से डाला या सच में ये क्वालिटी जो है एग्जिस्ट करती है 108 मेगापिक्सल की, वो तो यूज़ करने पे पता चलेगा। सैंपल शॉट वगैरह देख सकते हैं आप, जो है सामने आपको सैंपल शॉट देखने को मिल जाएगा। बाकी बात आती है इसके बैकअप वगैरह की, जहाँ पे बैकअप की मैं बात करूँ, जो इनबिल्ट बैटरी देखने को मिल जाती है वो है एक बड़ी बैटरी, जो कि 50,020 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। साइड में फिंगरप्रिंट है, तो वो चीज़ बहुत ही अच्छा प्रोसेसिंग है, मैं आपको दिखा देता हूँ फटाफट से। फिंगरप्रिंट बहुत ही अच्छा सा देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फास्ट फिंगरप्रिंट स्कैनिंग है, ये आप देख सकते हैं फटाक से जो है ये अनलॉक हो जा रहा है। बैकअप अच्छा है, 33 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाता है। उसके साथ में कंपनी कहती है आपका जो फ़ोन है वो चार्जर से जो है 60% चार्ज होगा 30 मिनट्स के अंदर, और जो है 100% फुल चार्ज हो जाएगा 75 मिनट्स में, मतलब सवा घंटे में जो है आपका फ़ोन कम्प्लीटली फुल चार्ज हो जाएगा। तो ये भी एक अच्छा प्लस पॉइंट है। और इसमें एक प्लस पॉइंट ये लगा, इसमें डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट देखने मिल जाता है, तो आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं। हालांकि 128 GB स्टोरेज है, तो शायद ही नॉर्मल यूसेज में किसी को एक्सपेंड करने की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी एक्सपेंडेबल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, डेडिकेटेड कार्ड है कि आप डुअल सिम भी यूज़ कर पाएंगे। वेट की मैं बात करूँ, जी हाँ ये थोड़ा सा वेट है, मतलब कि हाँ 192 grams का जो है ये वेट देखने को मिल जाता है। IP53 का डस्ट एंड प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है, स्प्लैश रेजिस्टेंस देखने को मिल जाता है, जो कि मतलब हाँ थोड़ा सा पानी के छींटे वगैरह जो है आराम से सहन कर लेगा फ़ोन आपका।
तो ये सब चीजें हमें स्पेक्स देखने को मिल जाती है इस फोन में, जो कि है Redmi Note 10 Pro Max। तो आपने जान लिया होगा इसका डिटेल, स्पेक्स वगैरह, और इसका लुक आप देख सकते हैं बहुत ही मजेदार सा लग रहा है। अब मैं बात करता हूँ इसके प्राइस और वेरियंट वगैरह की, क्या क्या हमें देखने मिल जाता है। तो इसके अंदर हमें दो वेरियंट देखने मिलता है, एक तो हमारा है 6GB रैम 128GB स्पेस के साथ में, जो कि आ जाता है 19,999 रुपीज़ का, मतलब 20,000 के अंदर आ जाता है। और जो दूसरा वेरियंट हुआ है हमारा 8GB रैम 128GB स्पेस के साथ में, जो कि आ जाता है 21,999 रुपीज़ का, मतलब 22,000 रुपये का है। तो मतलब फ़ोन उस स्पेक्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो फ़ोन एक अच्छा ऑप्शन देखने को मिल जाता है अंडर 20,000 के रेंज में, क्योंकि 6GB रैम 128GB स्टोरेज जो है वो एक नॉर्मल यूसेज में मतलब इनफ है कि आराम से आप जो है 128GB स्टोरेज भी नहीं भर पाओगे अगर आप नॉर्मल यूसेज करते हो। और फ़ोन का लुक बहुत ही मज़ेदार सा है, मतलब एक प्रीमियम सा फील देता है। ग्लास बैक है, फ्रंट में भी ग्लास हमें देखने को मिल ही जाता है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन। तो मतलब एक स्टडी फ़ोन है, मज़ेदार सा है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी हमें देखने को मिल जाती है। हल्का सा वेट ही है, मतलब 192 ग्राम इज़ अ नॉर्मल, मतलब हाँ नॉर्मल वेट होता है ये फ़ोन का, तो वो चीज़ हमें देखने को मिल जाता है। बाकी बहुत लोग डाउट करेंगे कि मी 11 लाइट लेना चाहिए या फिर Redmi Note 10 Pro Max, तो उसके लिए भी आप निश्चिंत रहिए। आपको जो इसके आने वाली वीडियो, इसके बाद आने वाली वीडियो जो है वो इसके कंपैरिजन की होने वाली है, तो आप डिटेल जान के देख सकते हो उस वीडियो को कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए सबसे ज़्यादा बेटर होने वाला है। तो वो चीज़ आप वीडियो जो है ज़रूर से देख लीजिएगा। तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि वीडियो अगर वो देखनी है तो मतलब नोटिफिकेशन चाहिए, और नोटिफिकेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो रेड कलर का बटन है उसे ग्रे कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जरूर से मिल जाएगी। और वीडियो में कुछ भी आपको डाउट लगा हो, कोई भी क्वेश्चन हो, या इस फोन के रिगार्डिंग या अदर फोन के रिगार्डिंग, तो बेशक नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, और जो इसको सभी प्लेटफॉर्म पे शेयर कर दीजिएगा। और बाय लिंक वगैरह आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ लोकली स्टोर वगैरह के भी आपको डिटेल देखने मिल जाएंगे। दी मोबाइल प्लानेट है ऑफिशियल MI स्टोर से ही मैं रिकमेंड करूंगा, MI के कोई भी फोन हो आप उसके MI के ऑथराइज स्टोर से ही परचेस करें। तो यहाँ लोकली जो है नौतरमा में आपको जो है मी स्टोर देखने को मिल जाता है, तो वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हैं। सारे डिस्क्रिप्शन में जो है डिटेल देखने को मिल जाते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और जाके परचेस कर सकते हैं। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद।